एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल के पिता एक किसान थे और माँ घरों में काम करती थीं। परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उनके पास बहुत सीमित साधन थे। लेकिन राहुल के माता पिता के पास उम्मीदें थीं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने हालात बदल पाएगा। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल की फीस भरना उसके परिवार के लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने अपनी जरूरतों को काट कर उसका दाखिला स्कूल में कराया। राहुल के पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और न ही पढ़ने के लिए सही साधन। कभी कभी तो उसे खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के स्कूल में साधारण सुविधाएं थीं, लेकिन राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखी। वो दिन मैं स्कूल जाता था और शाम को अपने पिता के साथ खेत में काम करता। उसकी माँ ने भी अपनी मेहनत बढ़ा दी ताकि राहुल को पढ़ाई के लिए किताबें और अन्य जरूरी चीजें मिल सकें। समय बीतता गया और राहुल ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसके सामने कॉलेज जाने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण यह सपना अधूरा सा लग रहा था। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने शहर में जाकर एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और साथ ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। दिन में वह काम करता और रात को पढ़ाई। कभी कभी उसे एक समय का ही खाना नसीब होता, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा घर बनवाया और उन्हें एक सुखद जीवन दिया। राहुल का संघर्ष इस बात का उदाहरण है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चों को प्रेरित करती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं तो अभी इस माइनर मेक इन चैनल के सब्सक्राइब करें और हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय नेपाल।